प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने भरूच जिले में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। ये परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और थोक दवाओं के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर में रोड शो किया। इस दौरान पीएम अपनी कार से उतरकर जनता के बीच पहुंचे हैं। सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्होंने लोगों का स्वागत स्वीकार किया है। जामनगर में लोगों से मुलाकात के दौरान वो एक शख्स के पास आकर रुक गए। पीएम मोदी को चाहने वाले इस शख्स ने उन्हें एक तस्वीर भेंट की। ये तस्वीर प्रधानमंत्री और उनकी माँ हीराबेन की थी। शख्स ने एक तस्वीर पर प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी लिया। पीएम मोदी ने नाम लिए बिना केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहरी नक्सलियों ने सरदार पटेल के सरदार सरोवर बांध के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की थी। सरदार साहब ने सभी रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी किया। जैसा कि मैं सरदार साहब के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, मेरे पास सरदार की भूमि के मूल्य हैं और यही कारण है कि मैंने कश्मीर की समस्या का समाधान किया और सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की।